यूं तो हिमाचल प्रदेश में चार लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन इन चारों सीटों में हमीरपुर लोकसभा सीट सर्वाधिक हॉट मानी जाती है, जो लगातार पिछले 6 चुनावों से बीजेपी का गढ़ मानी गई है। फिलहाल इस सीट से लगातार 3 बार बीजेपी के युवा चेहरे और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर सांसद हैं। लेकिन ये सीट अनुराग सिंह ठाकुर के साथ साथ कांग्रेस की रणनीति की वजह से भी चर्चा पर है। इस सीट पर विजय फतका फहराने का कांग्रेस का हर दाव फ्लॉप सिद्ध होता जा रहा है। पिछले 6 चुनावों में से पहले 3 में जहां पार्टी ने रामलाल ठाकुर के रूप में अपने नेता को चुनावी रण में उतारा था, लेकिन वो भी इसकी नैया पार नहीं लगा सके, जिसके बाद अगले 3 चुनावों में कांग्रेस ने ओपी रतन, नरेंद्र ठाकुर और बाद में राजेंद्र राणा के रूप में बाहर से आयातित दल बदलू नेताओं को अपना चुनावी योद्धा बनाया, लेकिन उनके ये बाहरी योद्धा भी लक्ष्य भेदने में असफल रहे। 3 बार अनुराग सिंह ठाकुर 1 लाख से अधिक मतों से विजयी रहे। राजनीतिक जानकारों का अनुमान है कि इस बार लगातार 4थी बार कांग्रेस उधार के दल बदलू नेता पर दाव खेल सकती है, क्योंकि पार्टी ने अपने नेता संभावित रूप से इस सीट से चुनावी रथ पर सवार नहीं होना चाहते हैं। यदि ऐसा हुआ तो ये स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस को संभवतः अपनी पार्टी के अंदर अनुराग ठाकुर के ब्रह्मास्त्र का काट नजर नहीं आ रहा है। अगर मीरपुर पार्लियामेंट हल्के की हम बात करें तो 89 के लोकसभा चुनाव से लेकर एक चुनाव को छोड़कर जो 1996 में हुआ था उसमें कांग्रेस जो है यहाँ से जीती थी, तो बाकी जितने भी चुनाव हुए हैं ये बीजेपी की परंपरागत सीट है और कांग्रेस यहाँ पे पहले चुनाव जीतती थी, नारायण प्रसाद प्रेशर जो है वो होते थे, उसके बाद कमज़ोर होती गई और पार्टी की शायद रणनीति होगी कि बीजेपी को बीजेपी के कैंडिडेट से ही जो है काटा जा सकता है, तो इसी अपनी रणनीति के तहत जो है पार्टी ने उधार के कैंडिडेट लिए, चाहे ओपी रतन थे, एचबीसी में चले गए थे, पहले कांग्रेस में थे फिर एचबीसी में चले गए सुखराम की पार्टी, उसके बाद वो कांग्रेस में आए, वो चुनाव में उतारे, उसके बाद नरेंद्र ठाकुर जो जगदेव के मंत्री होते थे बीजेपी के, उनके पुत्र हैं, उनको चुनाव में उतारा, उसके बाद राजेंद्र राणा जो बीजेपी में थे, मीडिया प्रभारी थे वो, उनके बाद वाइस चेयरमैन थे, उनको उतारा, और एक बार इस बार फिर चर्चा है कि सुरेश चंद्र जो बीजेपी के 3 बार एमपी रहे हैं तो उनको लिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि पार्टी इसी राह पर है कि अपने लोग जब चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं, ऐसे में उधार के जो कैंडिडेट है जो बाहर बीजेपी से ही गए हैं तो उनको लेकर पार्टी ने रणनीति बनाई। देखना होगा कि क्या वही कैंडिडेट होते हैं, 25 को फैसला होगा। वहीं हिमाचल बीजेपी अपने इस ब्रह्मास्त्र पर फूले नहीं समा रही है और लगातार 7वीं बार हमीरपुर लोकसभा सीट पर झंडा बुलंद करने के लिए उत्साहित है। प्रदेश भाजपा इसका श्रेय केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों, सांसद अनुराग ठाकुर के नेतृत्व, क्षमता और क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीरता को देती है, लेकिन लगे हाथ बीजेपी इस सीट को लेकर कांग्रेस पर तीखे तंज भी कसती रही है। व्यंग भरे लहजे में बीजेपी ने कांग्रेस की गुटबाजी की तरफ इशारा करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कांग्रेस का कोई भी नेता अनुराग सिंह ठाकुर के समक्ष चुनावी रणभूमि में योद्धा नहीं बनना चाहता है। आपने ठीक कहा, पिछले 3 दशकों से लगभग यहाँ पे अधिकांश समय भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर से रहा है। चाहे प्रोफेसर धूमली यहाँ से हमारे सांसद रहे, उसके बाद सुरेश चंद्र जी सांसद रहे, अभी 3 बार अनुराग जी यहाँ से लगातार सांसद हैं, तो अधिकांश चुनाव बीजेपी यहाँ जीती है। और आज जो स्थिति हमीरपुर क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश की है, जिस तरह से मोदी जी की सरकार काम कर रही है उनके नेतृत्व में, आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में तो क्या पूरे हिमाचल में भी वैसे कांग्रेस के प्रत्याशी आनाकानी कर रहे हैं। यहाँ तक हमीरपुर की बात है तो अखबारों के माध्यम से, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही हैं कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कभी एक लीडर को आगे करते हैं, वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, वो बहाना लगाता है, फिर दूसरे को करते हैं, वो दूसरा को तीसरा बहाना लगाता है, तो आपस में जो इनके मेन नेता हैं वो सारे टल रहे हैं चुनाव, क्योंकि उनको पता है राइटिंग ऑन द वॉल इज वेरी मच क्लियर कि जो लड़ेगा वो हारेगा। इसलिए कांग्रेस के जितने नेता है
वो तो सब ना कर रहे हैं। अब हो सकता है पहले भी इन्होंने कई बार इधर उधर से कैंडिडेट लेके आए हैं, तो उसके लिए शायद प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन जो भी आएगा कैंडिडेट, इस बार भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार लगातार जीत निश्चित है, तय है, और अनुराग ठाकुर यहाँ से दोबारा सांसद बनेंगे तो ऐसा निश्चित है। वहीं कांग्रेस में उम्मीदवार को लेकर अभी भी अधिकतर नेता पार्टी से अपने कार्यकर्ता नेता को चुनाव मैदान में उतारने के पक्षधर हैं और भारी व्यक्ति का विरोध किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पार्टी में ऊपरी स्तर पर एक बार फिर से उम्मीदवार की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। मगर विरोध की संभावना के मद्देनजर पार्टी के अपने नेताओं में नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और ऊना सदर से विधायक सतपाल रायजादा के नाम को भी आगे किया है। खुद सतपाल रायजादा बाहरी उम्मीदवार का खुलकर विरोध करते हैं और मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस का सर्वाधिक मजबूत उम्मीदवार बताते हैं। हालांकि पार्टी द्वारा स्वयं पर मुहर लगाने की हालत में वे पार्टी के हित में चुनाव मैदान में लड़ने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए स्वयं की कमजोर आर्थिक हवाला देते हुए रायजादा पार्टी द्वारा चुनावी युद्ध के लिए जरूरी आर्थिक सहायता की शर्त भी साथ जोड़ते हैं। ऐसे है, टिकट देना जो है वो पार्टी हाईकमान के ऊपर होता है। पार्टी हाईकमान क्या सोचती है, पार्टी हाईकमान अपने तरीके से ये देखती है कि किस कैंडिडेट को लड़कर जिताया जा सकता है। अगर पार्टी हाईकमान किसी बाहरी व्यक्ति को देना चाहे तो हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम पीछे दिल्ली गए थे, हमने अपनी भावनाओं को पार्टी हाईकमान के आगे अवगत करा दिया था कि पार्टी के अंदर रहे कार्यकर्ताओं को टिकट दी जाए। अब इसके बाद अगर पार्टी हाईकमान को लगता है कि किसी और व्यक्ति को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो वो पार्टी हाईकमान के ऊपर। कांग्रेस के अंदर बहुत चेहरे हैं, कांग्रेस के अंदर लीडरशिप जो है वो मजबूत है, कांग्रेस के अंदर वर्कर इस वक्त मजबूत है, और मेरा अपना ये मानना है कि चारों लोकसभा जो सीटें हैं हिमाचल प्रदेश की, उसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की सीट एक ऐसी सीट है, इसमें मुकेश जी का नाम पहले नंबर पर आता है, क्योंकि मुकेश जी एक कदावर नेता है, लगातार जीते हैं, और लगातार जीतने के साथ साथ उनकी विधानसभा क्षेत्र में जब मोदी जी की एक लहर थी, आज तो वो मोदी जी की लहर भी नहीं है, जब लहर थी तब भी वो अपनी विधानसभा क्षेत्र में लीड दिलवाने में सफल रहे थे। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री कदावर नेता, इसमें क्या दो राय। अगर मेरा अपना जो मानना होता है, क्योंकि मैंने अभी अभी दो इलेक्शन पीछे लड़े हैं, तो उसमें पार्टी का जो पार्टी की तरफ से फंड आता है वो हमें नहीं आया, लेकिन हमने चुनाव लड़े हैं, अपने दम पर लड़े हैं, कार्यकर्ताओं के दम पर लड़े हैं, तो मेरे पास तो एक गरीब आदमी हूँ, पैसे की जो एक मार होती है, क्योंकि एमपी का इलेक्शन है, बड़ा इसमें पैसे का इन्फ्लुएंस होता है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ अपने लिए चुनाव के लिए कि चुनाव कोई और लड़े, कदावर नेता है जो मंत्री रहे हैं सरकार में और पैसे के मामले में भी सॉलिड कैंडिडेट है, वो लड़े। लेकिन अगर वो सारे मना कर देते हैं और मेरे पर बात आती है तो मैं तो मना नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और सत्या में चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी हाईकमान मेरे पर विश्वास जताती है और मेरी मदद करती है तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि पहले जो कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता है उनको आगे आके चुनाव लड़ना चाहिए, उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। जहां पार्टी जहां बलिदान देने की बात हो तो बलिदान भी देना चाहिए, अपने मतलब के लिए राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल कांग्रेस के लिए गले की फांस बन चुकी हमीरपुर सीट ना तो उगलते बनती है और ना ही निकलते बनती है। ऐसे में सवाल बड़ा ये है कि यदि कांग्रेस के अपने नेता वास्तव में चुनावी रण से पैर पीछे खींचते हैं तो फिर इस बार पार्टी किसके कंधे पर रखकर सियासी हथियार चलाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। एस टुडे के लिए ऊना से विशेष रिपोर्ट।